हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी के फरवरी मंथ के सेल्स डेटा के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे क्या अब आपको मारुति सुजुकी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप मारुति सुजुकी की टोटल सेल्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये देखिए 11.8% का ग्रोथ इसकी टोटल सेल्स में देखने को मिला है। अगर हम पिछले साल के फेब मंथ से कंपेयर करें तो यहाँ पर एक अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। और 1,64,469 यूनिट, मतलब इतनी गाड़ियाँ कंपनी ने बेची है फेब मंथ के अंदर। अब अगर मैं पूरे 11 महीने की बात करूं तो पूरे 11 महीने मतलब अप्रैल से लेके फेब मंथ तक की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर पूरे ओवरऑल में कंपनी की जो सेल्स है वो 12.8% गिरकर हो गई है 12,90,847 यूनिट। अब देखिए, इसका रीज़न आप सभी को पता है, क्योंकि जो शुरुआत के 3 महीने थे अप्रैल से लेके जून तक, उन तीनों महीनों में कंपनी का कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। तो उस 3 महीनों में कंपनी की कोई सेल्स हुई नहीं थी, नहीं के बराबर। मतलब आप समझ लो कि कंपनी की जो अभी 1,64,469 एक महीने की सेल्स, उस वक्त तीनों महीने की मिला के 30,000 से 40,000 की कोई सेल्स हुई थी। तो इसीलिए आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, ये एक पार्ट टाइम है, मतलब देखा जाए तो उस समय दिक्कत थी, तो उसकी वजह से ये आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी ऑल ओवर आपको यहां पर मारुति सुजुकी की जो सेल्स है उसके अंदर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अब ये देखिए, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग है 90, उससे भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और जो मारुति सुजुकी शेयर है इसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, अगर मैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर बात करूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा अपने इंडियन मार्केट के अंदर जो गाड़ियाँ चलती है तो वो चलती है मारुति की, उसके बाद टाटा मोटर्स आता है, उसके बाद अगर आप हुंडई की बात करोगे, होंडा की बात करोगे। लेकिन नंबर वन मार्केट शेयर अगर किसी के पास है सबसे ज़्यादा तो वो है ऑन डेट मारुति सुजुकी। क्यों है? क्योंकि देखिए, ये प्रोडक्ट्स ही ऐसे बनाते हैं, ये गाड़ियाँ ही ऐसी बनाते हैं कि जो मिडिल क्लास ग्रुप होता है वो इनकी गाड़ी को ही लेता है। अब वो क्यों लेता है? क्योंकि इनका प्राइस रेंज, इनको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग मिडिल क्लास की है, महंगी गाड़ियाँ इनकी बिकेगी नहीं, तो ये एक ऐसी गाड़ी लेकर आते हैं जो मिडिल क्लास पे अट्रैक्शन बिठाए। और मिडिल क्लास पे अट्रैक्शन बिठा लिया तो इंडिया की 60 से 70% पॉपुलेशन पर अट्रैक्शन जुटा दिया। अब देखिए, प्राइस टू बुक के मुकाबले थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन देखिए डिविडेंड अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिविडेंड ज़्यादा है अगर सेक्टर के मुकाबले कंपेयर करें तो। अब ये देखिए पिछले साल इसकी सेल्स में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली थी। और रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी लगभग 15% से 20% गिर गई थी। लेकिन देखिए, वो उसका जो था वो पास था, लेकिन अब लगातार इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। और अगर आप अभी शेयर के प्राइस को देखोगे तो वो देखिए ऑलमोस्ट अपने हाई से आपको लगभग, अभी अगर आप शेयर का प्राइस देखेंगे तो 30% आपको ये गिरा हुआ नज़र आ रहा है, तो जबकि इसका प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 15 से 20% ही गिरा था। लेकिन इस बार भी ये आपको और गिरता हुआ नज़र आ सकता है। अब इसका रीज़न यही है, शुरुआत के 3 महीने कंपनी का कोई कारोबार नहीं था, धंधा बंद पड़ा हुआ था, और उसके अगले 3 महीने में भी कोरोना की सिचुएशन बनी हुई पड़ी थी, तो उसके कारण वहाँ पे भी कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी और थोड़ा सा रेवेन्यू का प्रेशर इस साल भी आपको कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। इसीलिए मेरे ख्याल से मारुति सुजुकी, अब मेरी बात आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। देखिए, मारुति सुजुकी ने भी ऐसा बोला है कि आने वाले 3 साल में वो भी अपना इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मारुति अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करता है तो वो टाटा मोटर्स को भी एक अच्छी टक्कर देगा। और बाई चांस अगर टेस्ला इंडिया में आता है तो मारुति सुजुकी और टेस्ला का मार्केट शेयर ज़्यादा रहेगा, सॉरी टेस्ला नहीं, टाटा मोटर्स और मारुति का मार्केट शेयर ज़्यादा रहेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, टेस्ला का जो प्राइस है वो लगभग
60-70 लाख का कुछ है, और अगर ये लेके आएंगे टाटा मोटर्स और ये, तो टाटा मोटर्स का एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन मारुति सुजुकी का शुरुआत से ये रहा है कि कैसे मिडिल क्लास पीपल्स को उनकी गाड़ियों को अट्रैक्शन दिखाना। तो इसीलिए अगर ये 10-15 लाख तक की गाड़ी लेकर आ जाता है तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसी को ही मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अभी भी ऑटो शेयर नहीं भागे हैं जितने भागने चाहिए, और मारुति सुजुकी एक लीडर है, इसके अंदर आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। करंट मार्केट प्राइस भी एक अच्छा प्राइस है इसके अंदर लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए, और अगर आपने पहले से लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रखा है तो मेरे ख्याल से आपको बने रहना चाहिए। मारुति सुजुकी लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा शेयर है। अब रही बात, तीसरी बात आ जाती है, वो है शॉर्ट टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू क्या, देखिए इसकी क्लोजिंग अगर आप देखोगे 7000 ऊपर हुई है, तो एक वो बता रहा है, एक बुलिश मोमेंटम बता रहा है, ये बता रहा है कि स्टॉक में आने वाले समय में तेजी दिख सकती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाइक कर रखा है तो मेरे ख्याल से 7200 या 7250 का आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको मारुति सुजुकी इंडिया के जो मैंने फरवरी मंथ का जो मैंने आपको सेल्स डेटा बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।